दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो वाला पिक्चर कट रहा था उस वीडियो मैंने आपको बताया था, यही प्रॉब्लम नज़र आई है सामने। इस समस्या को इस वीडियो में सही करने वाला है और इसके अंदर क्या क्या होता है सो देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से टीवी को ओपन करते हैं और सही करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी तरह की नई नई वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा अभी भी डाउन है, तो फिर मैनेज करते हैं जिसमें है तो ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे कलर टीवी की तरह स्क्रू दिए गए हैं इसमें भी। तो काफ़ी दिनों के बाद ये टीवी दोस्तों देखने को मिली है। सो काफ़ी अरसे हो गए देखे हुए इस टीवी को। तो कुछ लोग अभी भी हैं जो जीते हैं पुराने समय में। तो आइए पहले इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। इसमें बीच में भी यहाँ पे स्क्रू दिया गया है और तो ये क्या इतनी सारी फजीहत। अच्छा देखते हैं। और ये क्या आर एफ वाला सिस्टम भी निकालना पड़ेगा, कह रहा है कि यहाँ से खोल के निकालिए हमको। नहीं, अच्छा लॉक सिस्टम पे है। एक मिनट, आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ भाई इसकी सर्किट। तो वाह क्या सर्किट है, देखिए ये है हमारी सर्किट टीवी की, ब्लैक एंड वाइट टीवी की, ये देख रहे हैं आप। और इसमें मुझे फॉल्ट मिल गया दोस्तों, फॉल्ट मिल गया। आखिर फॉल्ट ये है कहाँ से, ठीक है। काफ़ी पुरानी मॉडल टीवी और इसकी एसटी देखिए, ये जल चुकी है लेकिन स्पार्किंग नहीं करेगा तो ठीक है। और इसका ये बेस रहा छोटा सा, और इधर इसके ट्यूनर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये ट्यूनर बोलते हैं या जो भी बोलते हो, मुझे इसका अभी नाम भूल गया हूँ। और यहाँ पे इसका स्पीकर है और ये ट्रांसफार्मर 18 वोल्ट का है, 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इसमें यूज होता है। छोटा सा इसका योक कॉयल और इसका ये शायद सप्लाई सेक्शन है। तो देखते हैं, पहले तो ये इसमें मुझे फॉल्ट जो मिला है यहाँ पे, इसका ये कैपेसिटर देख सकते हैं, दोनों का दोनों थोड़ा सा लीकेज है और अंदर की तरफ से ज़्यादा लीकेज है। ये थोड़ा सा ऊपर से अपने लाइट पड़ रही है तो अंधेरा सा हो रहा है, तो फ्लैश जलाते हैं। सो देखिए ये है फिल्टर हमारे, सो ये लीकेज हो चुके हैं। और ये सर्किट का क्लोज लुक आप सब देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी की सर्किट अब शायद ही कभी देखने को मिलेगी। सो ये इसका ट्रांजिस्टर, पापा जी से मैंने पूछा था तो बताया कि यहाँ पे सप्लाई सेक्शन में 1351 बोले थे, क्या बोले थे, ऐसे कुछ बोले थे। यहाँ पे मेरे पास होगा अभी इसका नंबर ट्रांजिस्टर, तो फिलहाल उससे उससे हाँ 1351 यही नंबर उन्होंने बताया था, 1351 यहाँ पे है भी मेरे पास 1351। तो फिलहाल सप्लाई सेक्शन ने बताया कि ये प्रॉब्लम सप्लाई सेक्शन से होती है। तो सप्लाई सेक्शन में जब हमको फिल्टर फॉल्ट मिल गया है तो फिल्टर से ही होगा। एक बार हम आपको इसकी कंडीशन फिर से दिखा देते हैं कि आखिर ये किस कंडीशन में है और इसको हम किस कंडीशन से बाहर निकालने वाले हैं। तो सर्किट को मैंने किया अंदर और मोबाइल का फ्लैश ऑफ करते हैं क्योंकि बैटरी भी सुबह से चल रही है तो है बहुत कम चार्ज। मोबाइल का फ्लैश ऑफ कर देते हैं। सो देख सकते हैं आप सब, ये हमारा पिक्चर चारों तरफ से, चारों तरफ से नहीं, किनारे किनारे से ये कट रहा है दोनों तरफ, ऊपर नीचे से हल्का। हाँ वो देखिए नीचे से है लेकिन ऊपर से हल्का है, मतलब चारों तरफ से, एक तरह से मान लीजिए चारों तरफ से पिक्चर कट रही है। तो इसका मेन रीज़न पापा जी ने बताया मुझे, क्योंकि देखिए मुझे इसके बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि अपने समय में ये टीवी नहीं है, ये अपने समय में एलईडी का ज़माना है और अपने सीआरटी टीवी का ज़माना था लगभग लगभग। तो अभी भी है चला रहा, मतलब वही बना रहा हूँ तो ठीक है। तो अपने समय में इसका समय नहीं है तो आज बहुत दिनों के बाद देखने को मिली और शायद मैं पहली बार बनाने भी जा रहा हूँ इसको, पापा जी के न होने के कारण इसको बना रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है, पापा जी गाँव गए हैं। तो ये फिल्टर यहाँ पे दो सीरीज करके लगाया गया है, ये रीज़न ये होगा कि लोकल कैपेसिटर हैं तो
लोकल कैपेसिटर चल नहीं पाते हैं तो उसके लिए सीरीज करना ही पड़ता है। तो अपने पास भी मार्केट में लोकल ही मिल रहा है, केल्ट्रॉन वगैरह को तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा और काफ़ी सारे लोग जो हैं रखते भी नहीं हैं। तो ये हमारा निकल चुका है, यहाँ पे हम 35 वोल्ट का अगर कैपेसिटर लगा दें तो एक ही में काम हो जाएगा। देखते हैं 35 वोल्ट का अपने पास होगा। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना, ये देखिए बिल्कुल फट चुका है, यहाँ पे फट के बिल्कुल इसका बाहर आ चुका है मटेरियल जो भी है। तो 4725 वोल्ट का ये लगा है तो यहाँ पे हम 4735 वोल्ट का लगा देंगे तो फटेगा नहीं। ओके तो लगा देते हैं। तो सबसे पहले एक फिल्टर कंपनी तो लगभग लगभग सेम है, बस 35 वोल्ट में खोज लेते हैं। 25 25 है, 25 25 नहीं मिलेगा तो हम भी सीरीज ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 है, दोस्तों सब 25 है, 35 देखते हैं अंदर कहीं बॉक्स में पड़ी हो। तो फिर दोस्तों मैंने इसको काफ़ी खोजा लेकिन सब 25 वोल्ट के कैपेसिटर मिल रहे हैं और ये सब लोकल ही है, जो कंपनी का लगा था उसी कंपनी का है, एक्सॉन, ठीक है, इसी कंपनी का नहीं दूसरी है। तो इसको हम लगा लेते हैं, फिलहाल हम दो ही लगाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि चलने की बात है। कस्टमर भी लाने से पहले ही पूछ रहे थे कि बन जाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब इसका ज़माना रहा नहीं तो इसके मैकेनिक भी बहुत कम ही रह गए हैं, तो देखने से भी सब कतराएंगे इसको। तो इसको हमने सीरीज कर लिया है और भाई हम तो ठहरे यूट्यूब वाले, तो आपको दिखाने के लिए हमने टीवी ले लिए और बनाते भी हैं, कोई भी हो एक बार हम रिस्क लेते हैं। तो ठीक है ये रहा, सीरीज हो चुका है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसका माइनस, ये प्लस और फिर ये माइनस प्लस हमारा निकल चुका है। ओके और इसको हम इसके निशान के हिसाब से जिससे नॉर्मल टीवी में लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी निशान होगा, देखते हैं। ये क्या निशान नहीं दिया है, दिया तो होगा ज़रूर, हाँ है, लेकिन थोड़ा सा इसका निशान एक पॉइंट की तरह है बस, तो इतना इशारा काफ़ी है, ठीक है। ये लगा, इसको भी लगाते हैं भाई, तुम्हारा होल कहाँ गया, ठीक है मिल चुका है होल माइनस प्लस की तरफ से। सर्किट काफ़ी आसानी से पलटेंगे क्योंकि पुराने हैं तो वायर टूटने के चांस है, कोई भी वायर टूट जाएगा तो एक दिक्कत और बढ़ जाएगी हमारे साथ। तो जोड़ देते हैं भाई इनको, कैपेसिटर का पिन मोड़ ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, मजबूती बनी रहे। ठीक है तो इसमें हमारा ये तो वायर रहे सब वीडियो सेक्शन के काट के बनाए गए हैं, ऑडियो वीडियो सिस्टम ये, ठीक है, और लगभग सब ठीक ही हो चुका है। और एक बार हम फिर लगाएंगे इसमें पावर और देखेंगे क्या हमारी टीवी का पिक्चर जो है पूरा हुआ या नहीं, ठीक है। तो आपके सामने रही टीवी और लगा दिया पावर में हमने, और वेट करते हैं पिक्चर का, आ जाओ यार कुछ तो रिस्पॉन्स। सो अब भी दोस्तों वही प्रॉब्लम है, तो समस्या तो बढ़ी, जानकारी एक तो जानकारी नहीं और देखते हैं कहीं कैपेसिटर हीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हीट तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब सही है। और पावर सप्लाई सेक्शन का ये फॉल्ट पापा जी ने मुझे बताया था, तो पावर सप्लाई सेक्शन में ये 12 वोल्ट पर टीवी ऑपरेट होती है, तो ये रहा इसका रेगुलेटर, चेक करेंगे ज़रा भाई, कुछ तो हिंट मिलेगा ही। ओके सावधानी से करना है थोड़ा काम, तो अगर समय लगेगा ज़्यादा तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा लेट, क्योंकि मुझे फॉल्ट खोजना पड़ेगा, वायर वगैरह देख लेता हूँ कुछ कहीं टूटे उटे तो ना ही है। चिमटी किधर गई यार, ये रेगुलेटर का वायर मैं चेक कर रहा हूँ कहीं इसका वायर तो नहीं टूटा, नहीं इसका वायर तो नहीं टूटा है,
और इस रेगुलेटर पे सप्लाई कितनी आ रही है, यहाँ पे सप्लाई कितनी बन रही है, इसको मैं एक बार ज़रूर चेक करूँगा। और हीटिंग, इसकी हीटिंग तो बहुत है तभी लगता है इतना बड़ा हीट सिंक लगा है। सप्लाई चेक करता हूँ ज़रा अपने मल्टीमीटर से, क्या सप्लाई मिलती है इसकी। चलिए इस तरह से हमने कर दिया ताकि आपको और साफ साफ दिखे। और शाम इतना अधिक हो चुका है कि पापा भी सो चुके होंगे गांव में। चलिए देखेंगे आज होगा नहीं तो फिर कल होगा। अर्थ पे हमने इसको भी रख दिया उसी तरह जिस तरह से नॉर्मल टीवी में रखते हैं। अब पता नहीं, हाँ अर्थ तो ही होगा, अर्थ यही है। चलिए तो इससे नीचे नहीं हो पाएगा स्टैंड भाई लोग। और सप्लाई देखते हैं यहाँ पे, ये प्लस में, ये क्या सप्लाई ही नहीं कि मीटर ख़राब है। कैपेसिटर पे सप्लाई हमारी पॉइंट में लगता है मीटर ही। यार क्या करूँ इसका, को कूड़े में फेंकना है बट क्या करें, इसमें कोई नहीं मारा मिल रहा है। ये क्या यार सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, माइनस प्लस चलते हैं। ये मीटर की तो ये यहाँ पे 22 वोल्ट, 22 वोल्ट की सप्लाई है। 200 वोल्ट पे रेंज पे चेक करेंगे तब बताएगा। 23 वोल्ट ऐसे दिखा रहा है, सो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। सो 23 वोल्ट यहाँ पे है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर से आउटपुट 9.7 वोल्ट, 12 वोल्ट निकलना चाहिए था ना। 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट निकलेगा, 9.7 वोल्ट। और यहाँ पर शॉर्ट होने का भी रिस्क है, देखिए कहीं इसका काम ना हो जाए। तो पिक्चर शायद अपना पूरा हो चुका है, पता नहीं कैसे पूरा हो गया, लेकिन ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर देख रहे हैं आप, पिक्चर पूरी हो गई है। तो मेरे हिसाब से इसका जो है, ये क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिस्टर ही देख सकते हैं, पिक्चर पूरा है। सप्लाई भी पूरी हो चुकी होगी तभी तो पिक्चर पूरा है। ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट काम कर रहा है, तो ऑडियो वीडियो का लीड लगा के देखते हैं। पिक्चर पिक्चर तो बन रह गया, लेकिन ये किस तरह से आ रही है। लगता है कुछ टूटा। देखते हैं कुछ इसमें हिला डुला के क्या कहता है। हाँ कुछ हिला डुला पे इसमें पिक्चर तो बन गया। इसका मतलब ड्राई का फॉल्ट हो सकता है इसमें भी, तो ड्राई हम एक बार सही करेंगे ज़रूर। ब्लैक एंड वाइट टीवी मेरे बस की नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक तो लगभग पिक्चर हो चुका है पूरा, पिक्चर पूरा हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है कहीं से, उसको हम सही करेंगे, खोजेंगे। और क्लियरिटी नहीं बन पा रही है क्योंकि इस तरह से तो आएगा नहीं, जिस तरह से ये चल रहा है साफ साफ कुछ दिखना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हमको पीसीबी में जो भी ड्राई दिखे, जिस तरह से मेरे खोजने का तरीका है, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ क्योंकि उतनी नॉलेज है नहीं, तो एक अंदाज बस मैं आपको बता देते चल रहा हूँ। तो जो ड्राई दिख रहा पहले मुझे, मैं वही करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ ड्राई वगैरह मिलता है, ऐसे मिला तो है क्योंकि यहीं पे अभी जब टच किया गया तो रिस्पॉन्स निकला था। इसको सब सोल्ड कर देंगे हम, देख लेता हूँ थोड़ा अपनी निगाहों से अच्छी तरह। पीसीबी पहले की तो गजब की है दोस्तों, ये पीसीबी देख के लग रहा है कि पीसीबी है आखिर।
पहले की पीसीबीओ की तो बात ही अलग है। और तो सब काट पीट के यहाँ पे वीडियो सेक्शन बनाया गया है, इतने छोटे में ही सब कुछ बना दिया गया है। तो आजकल का तो और भी छोटे में बना दिया गया है। तो लगभग लगभग तो ड्राई बहुत ज़्यादा है नहीं, और अभी ये हमारी सप्लाई की समस्या हमको फिर से परेशान करेगी। तो मैं यही तेरा इक्यावन चेंज करूँगा। पापा का कहना भी है कि तेरा इक्यावन से होता भी है, और इसमें कुछ उन्होंने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी बताए थे, तो देख लूँगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य था आपको ये टीवी का आपको दिखाना कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। सो आप सबको मैंने वो दिखा दिया है, और मेरे हिसाब से ये समस्या हमारी सही भी हो चुकी है। अगर नहीं सही होगी तो ये बस ये ट्रांजिस्टर चेंज करना है, और ये सही भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं सही होगा, जहाँ से सही होगा तो मैं आपको, अगर यहीं से सही होगा तो देखिए वीडियो नहीं बनाऊँगा, अगर यहाँ से नहीं सही होगा तो एक दूसरा वीडियो फिर से आपको बना के दूँगा। ओके, तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या कंडीशन है इनकी, देखते हैं। पहले मैंने तो ऑडियो निकाल दिया है, तो पिक्चर पूरी है, देख सकते हैं पिक्चर में कोई कमी नहीं है, पिक्चर पूरी है। एक बार अच्छा सर्किट हिला के देख लेते हैं, कुछ छोड़ पकड़ रहा है तो ड्राइव तो जो मैंने कर दिया तो बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसका पिक्चर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ही चलती है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे एक मिनट चैनल चेंज करता हूँ, हो सकता है कलर वाला बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी तो सब ब्लैक आना चाहिए था, ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या शायद। मेरे तो फिर सामने दोस्तों एकदम मुझे ये सफेद प्रॉब्लम सा मिल खंड गई है, कहाँ से है। तो मैंने ये प्रॉब्लम पापा जी से पूछ कर सॉल्व किया है। सो आप अब देख तो सकते मैंने हैं अब की विश्वास भी पिक्चर कर लिया क्वालिटी और पहले की पिक्चर क्वालिटी में कि कितनी ज़्यादा भगवान डिफरेंस है। है, इतने सो देख सालों के सकते हैं बाद अब चेहरा पहचान में आ रहा मेरा है, बेटा लौट और आया। प्रॉब्लम कहाँ से मिली है सो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये दूसरे दिन मुझे प्रॉब्लम पापा जी से पूछने के बाद पता चली। 2 साल कहीं जा सो ये दो थोड़ी रही है। कैपेसिटर लीकेज थे अंदर ही अंदर, आज तू इतने वहाँ सालों देख के सकते हैं बाद दो नए मेरे घर कैपेसिटर में लगे आया हुए है। हैं, तो यहीं से तेरी हमारी पसंदीदा प्रॉब्लम हर थी। चीज ठीक पकाऊंगी। दोस्तों, तो मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।